बर्फबारी और बूंदाबांदी के बीच खुले बाबा बद्रीनाथ के कपाट, दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। कपाट खुलने के बाद झूम उठे भक्त, खुशी से नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, मंत्रोच्चारण से गूंजा बाबा बद्रीनाथ का धाम। 15 क्विंटल फूलों से सजा बाबा बद्रीनाथ का धाम, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बद्रीनाथ धाम में सेना के जवानों ने बजाया बैंड, बैंड की धुन से गूंजा बद्रीपुरी। सहरसा जेल से रिहा हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन, सुबह 4:30 बजे जेल से रिहाई हुई। आनंद मोहन के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टर, पोस्टर में लिखा सुस्वागतम शेरे बिहार। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, दलित संगठन ने दायर की याचिका। बिहार के पंचगछिया में जनसभा को करेंगे संबोधित, संबोधन के बाद पटना जाएंगे आनंद मोहन। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार में सियासी पारा हाई, बीजेपी ने कहा मुस्लिम यादव समीकरण को ध्यान में रखकर नीतीश ने आनंद मोहन को रिहा किया, जनता माफ नहीं करेगी। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ की पुलिस कस्टडी रिमांड मामले में आज होगी सुनवाई, वकील पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, अर्जी में उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद अभियुक्त नहीं होने की बात। सौलत हनीफ ने पुलिस की रिमांड की अर्जी पर दिया जवाब, लिखा पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया है। अतीक के बेटे असद और वकील का मोबाइल चैट आया सामने, वकील खान सौलत हनीफ ने असद को भेजी थी उमेश पाल की फोटो, पुलिस वकील से पूछताछ करेगी। माफिया अतीक के बेटों और गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराया मुकदमा। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटों पर लगाया आरोप, मोहम्मद मुस्लिम ने कहा अतीक के बेटों के इशारों पर गुर्गों ने उससे रंगदारी मांगी। अतीक के गुर्गों द्वारा सताए गए परिवार ने जी न्यूज से की बातचीत, पीड़ित परिवार ने बताया कि मोहम्मद मुस्लिम ने उनकी जमीन पर किया था कब्जा। उमेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए शूटर्स को पेमेंट की गई, अतीक के वकील के पास हवाला से पैसे आए। गोरखनाथ मंदिर के पूर्व पुरोहित प्रवीण शास्त्री ने शेयर किया अतीक हत्याकांड का वीडियो, पूर्व पुरोहित को मिली जान से मारने की धमकी। सूडान में फंसे भारतीयों का चौथा जत्था जिद्दाह पहुंचा, 128 भारतीयों को जिद्दाह लेकर पहुंचा विमान। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे 307 भारतीय जिद्दाह से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, लोगों ने भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला, पुलिस की गाड़ी पर किया गया आईईडी ब्लास्ट, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान सहित 11 शहीद। दंतेवाड़ा में शहीद सैनिकों को आज दी जाएगी अंतिम सलामी, सलामी के बाद परिवारों को सौंपा जाएगा पार्थिव शव। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुआ नक्सली अटैक, शहीद होने वाले जवानों में जवान मुन्नाराम कड़ती, संतोष तामू जैसे नाम शामिल। नक्सली हमले पर बस्तर आईजी का बयान, घात लगाकर किया गया हमला, नक्सलियों पर करेंगे कार्रवाई। राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र भेज सकता है स्पेशल फॉरेंसिक टीम, सूत्रों के हवाले से खबर, फॉरेंसिक टीम आईईडी की जांच करेगी। आईजी हमले के बाद एक्शन में पुलिस, रायपुर पुलिस हेडक्वार्टर में हुई बड़ी बैठक, डीजीपी के साथ कई अधिकारी शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की हमले की निंदा, बोले नक्सलियों को नहीं बख्शेंगे, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से की बात, बोले नक्सलियों की काराना हरकत, राज्य सरकार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। कैबिनेट बैठक में नक्सली हमले पर जताया गया शोक, 2 मिनट का रखा गया मौन, प्रकाश सिंह बादल के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने नक्सली हमले पर जताया दुख, कहा छत्तीसगढ़ में हुआ हमला निंदनीय, शहीद बहादुर जवानों को दी श्रद्धांजलि। नक्सली हमले पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा दंतेवाड़ा में हमला, कायरतापूर्ण शहीदों को श्रद्धांजलि। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आज होगा अंतिम संस्कार, दोपहर 1 बजे गांव में ही दी जाएगी अंतिम विदाई, पंजाब में आज अवकाश का ऐलान।
प्रकाश सिंह बादल के पैतृक गांव लंबी में दिखे लोगों की भारी भीड़, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे कई लोग। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रकाश सिंह बादल को किया याद, आडवाणी ने कहा बादल सभी के नाम के साथ जी लगाकर बुलाते थे। आज से दिल्ली में एससीओ समिट में रक्षा मंत्रियों की बैठक, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठक में वर्चुअली शामिल। एससीओ बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बयान, बोले ऐसे पड़ोसी से जुड़ना मुश्किल जो आतंकवाद फैलाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चार देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता, चीन, ईरान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ शुक्रवार को होगी द्विपक्षीय वार्ता। गुजरात में नागरिक शिकायत निवारण पहल के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी लाभार्थियों के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद। पीएम मोदी आज कर्नाटक में बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे वर्चुअली संवाद, 24 लाख कार्यकर्ताओं ने डाउनलोड किया नमो ऐप। आज ऐसे कर्नाटक दौरे पर होंगे राहुल गांधी, मंगलुरु में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद, सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। समलैंगिक विवाह के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर सुनवाई। पेंटागन के हाल ही के दिनों में लीक हुए दस्तावेजों में बड़ा खुलासा, सैटेलाइट अटैक करने के उद्देश्य से हाईटेक साइबर हमले की तैयारी कर रहा है चीन। कर्नाटक में शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल कांग्रेस को खत्म करने के अभियान में लगे हैं। आज फिरोजाबाद के दौरे पर होंगे सीएम योगी, नगर निकाय चुनाव को लेकर करेंगे चुनावी सभा। एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाड़ का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहेंगे तो हमारे देश की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी होगी। जितेंद्र आहवाड़ का विवादित बयान, कहा आज गुस्से वाले राम और हनुमान दिखाई देते हैं, पहले भगवान का ऐसा रौद्र रूप नहीं दिखता था। महाराष्ट्र के वाशिम में 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी 3 साल की बच्ची, शरीर पर नहीं आई एक भी खरोच। यूपी के आगरा में बढ़े डॉग और मंकी बाइट के आंकड़े, एक दिन में करीब 700 केस दर्ज किए गए। मालदा में शख्स ने बंदूक की नोक पर छात्रों को बंधक बनाया, स्थानीय लोगों ने स्कूल में किया प्रदर्शन, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। रामलला की मूर्ति बनाने का काम शुरू, राम सेवक पुरम में लगे कटर मशीन से की जा रही है पत्थरों की कटाई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में युवती के साथ बदसलूकी, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब के अमृतसर में एक पाकिस्तानी ड्रोन जब्त, ड्रोन से मिला 2 किलो हेरोइन। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 1040 नए मामले, 7 लोगों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 21.16% दर्ज। पटना में 2 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में पुलिस और 20,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, अस्पताल में जारी है इलाज। बाराबंकी में पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है, छत्तीसगढ़ से यूपी में करते थे ड्रग्स की तस्करी, जारी है पूछताछ। यूपी के इटावा में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, किसी को नहीं हुई कोई क्षति, फायर ब्रिगेड ने हालात पर किया काबू। मुजफ्फरनगर में युवक को मारी गई गोली, पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ हमला, अस्पताल में जारी है युवक का इलाज। यूपी के हापुड़ में एक बाइक पर 7 युवकों ने किया खतरनाक स्टंट, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, 15,000 रुपए का किया चालान। लखनऊ में अवैध ड्रग्स के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई, 9 किलो अवैध ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। इटावा में संपत्ति को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, बुरी तरह घायल हुआ शख्स, सामने आया मामले का वीडियो। हापुड़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा, 17 तमंचे समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, गाड़ी से टक्कर लगने के बाद हुआ था विवाद, बुरी तरह घायल हुआ युवक। यूपी के अलीगढ़ में तालाब में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने लोगों की मदद से किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। यूपी के बाराबंकी में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट, बिजली का कनेक्शन काटने के दौरान हुआ हमला। शाहजहांपुर में जमीन में धंसा बालू से लदा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान।
राजस्थान के बारा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, जला लाखों का सामान। फायर ब्रिगेड ने आग पर किया काबू। चुरू में ज्वेलर्स की दुकान में दो बदमाशों ने फायरिंग की, सामने आया फायरिंग का वीडियो, एक आरोपी गिरफ्तार। सूडान में जारी हिंसा को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन जाहिर की चिंता, WHO ने हिंसा पर जल्द रोक लगाने की मांग की। सूडान में जारी हिंसा से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा बुरा असर, डॉक्टर्स ने की हिंसा को जल्द खत्म करने की अपील। चीन ने सूडान से किया अपने नागरिकों का रेस्क्यू, करीब 600 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला। रूसी कब्जे वाले दोनेस्क पर यूक्रेन ने किया हमला, धमाकों में पूरी तरह से तबाह हुई इमारत। रूस और यूक्रेन के बीच हुई कैदियों की अदला बदली, दोनों देशों के अधिकारियों ने की पुष्टि। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, चीन के विदेश मंत्री ने जानकारी दी। रूस के एक गांव में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, सैकड़ों लोग हुए बेघर, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अमेरिका के दौरे पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिनर का आयोजन किया। स्पेन में हीट वेव का कहर, दक्षिणी स्पेन में 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्पेन में लगातार बढ़ते तापमान से घट रहा है नदियों का जलस्तर, सूखती नदी से किया गया मछलियों का रेस्क्यू।